हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड अभी बज रहे हैं रात के 1:20 एंड मैं अभी तक जगी हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को कुछ बताना था। कल मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी जगह पे जाने वाली हूँ जो कि कर्जत में है एंड इट इज़ अ बॉलीवुड थीम पार्क। उसका नाम NDS फिल्म वर्ल्ड है एंड आई एम रियली 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 एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दैट प्लेस क्योंकि आई लव बॉलीवुड एंड आई एम बॉलीवुड टाइप पर्सन। सो या आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू गो देयर एंड सो मैं आपको हर एक चीज़ अपडेट करूँगी। मैं वहाँ कैसे गई, वहाँ के क्या टाइमिंग्स है, वहाँ क्या टिकट्स है, क्या क्या आपको लगेगा वहाँ पर जाने के लिए। सो आई विल गाइड यू एंड या आई विल मीट यू इन द मॉर्निंग। सो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई ब्लॉग अगेन। तो मैं उठी एंड मैं रेडी हूँ, अभी नाश्ता कर लिया है। सो अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे, थोड़ा लेट हो गया है तो अभी निकलेंगे हम एंड आई विल सी यू सून। ये अभी हम गाइस हम निकल रहे हैं अब कज्जत के लिए एंड 1 घंटा लगेगा। सो अभी हम 5 मिनट में निकलेंगे। मैं मेरी जीजू के साथ जा रही हूँ। मैं हूँ, मेरे जीजू हैं एंड मेरे 2 कजिन्स हैं। सो अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में। सो मैं आपको अभी थोड़ी देर में फिर से मिलूँगी। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ NDS फिल्म वर्ल्ड एंड अभी एक्सप्लोर करेंगे हम। सो दिस इज NDS स्टूडियो, यू कैन कॉल NDS फिल्म वर्ल्ड एंड ये इंडिया का फर्स्ट बॉलीवुड थीम पार्क है जो कि कर्जत में है। सो ये इतना ब्यूटीफुली बनाया गया है इसका एंट्रेंस। सो लेट्स एक्सप्लोर इनसाइड कि कैसे कैसे सेट्स है यहाँ पे। सो लेट्स गो। सो दिस इज़ द एंट्री ऑफ NDS फिल्म वर्ल्ड एंड यूनिक है कितना एंट्री इनका DDLJ स्टाइल। सो लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर द स्टूडियो। सो दिस इज़ द वॉल जहाँ पे सारी मूवीज़ जो इंडियन सिनेमा में अभी तक बनी है यहाँ पे वो पूरा वॉल पे पेंटिंग किया गया है वो मूवीज़ के पोस्टर्स को। एंड यू कैन सी दिस इज़ द फर्स्ट मूवी राजा हरिश्चंद्र विच वॉज डायरेक्टेड बाय डॉक्टर दादा साहेब फाल्के एंड इतना ब्यूटीफुल यहाँ पे इन्होंने बनवाया है सब। सो यू कैन सी दिस इज हाउ ब्यूटीफुल दे आर। यहाँ पे देखो आलम आरा भी है, द्रौपदी है, इंडिया टुडे है, जन्मभूमि, सती सावित्री। सो ऐसे ही पूरे वॉल पे इन्होंने सारे मूवीज के जो पोस्टर्स है वो पूरा पेंट किया गया है। ये बहुत बड़ी वॉल है सो आप देख सकते हैं पूरे बॉलीवुड सिनेमा के। सो अब ये हम मेन सेट के अंदर एंटर कर रहे हैं जहाँ पे सब बड़े बड़े सेट्स हैं। सो इसका एंट्रेंस कितना ब्यूटीफुल है। सो लेट्स गो।
एंड अभी हम आ गए हैं जोधा अकबर के सेट पे, जो कि जोधा अकबर फिल्म एंड जो सीरियल आता था जी टी वी पे जोधा अकबर करके, उसकी सारी शूटिंग यहाँ पे हुई है एंड उसका ये सेटअप अभी तक है ऐसा। सो ये शीश महल है जो कि आप प्रेम रतन ने देखा होगा ये सेट। सो बेसिकली वो सेट पे शूटिंग चल रही थी तो हमें अलाउ नहीं किया गया वहाँ पे जाने के लिए, तो हम आगे फिर गए तो वहाँ पे हमें कुछ स्मॉल आर्टिस्ट दिखे जो कि शूटिंग चल रही थी वहाँ के ही थे एंड वहाँ पे सब बैठे थे, मतलब शूटिंग चल ही रही थी तो हम उस मौके पे पहुँच गए वहाँ पे एंड सीधे कलरफुल ड्रेसेस, कुछ ड्रेस के हिसाब से उनका कुछ ऐसा लग रहा था कोई रॉयल किंगडम टाइप सेटअप है एंड कुछ राजा महाराजा टाइप वाला स्टोरी होगा। एंड यहाँ पे अंदर कोई शूटिंग चल रही थी मैं देख रही थी तो यप। सो ये वाला तो आपने ज़रूरी देखा होगा प्रेम रतन निम्पायो में, है ना। सो अभी आते हैं ये सेट पे जो कि इतना कलरफुल और इतना ब्यूटीफुल था कि मैं बता नहीं सकती। ये फुल रॉयल किंगडम टाइप सेटअप था जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड ये जो डोली और या पालकी जो बोलते हैं जिसमें पहले आती थी रानी महारानी लोग, और यहाँ पे एक बहुत ह्यूज सा गणपति बप्पा का मूर्ति है जो कि बनाया गया है जो कि बहुत ही सुंदर था एंड बहुत ही अच्छा लगा वो देख के। एंड यहाँ पे आगे मुझे एक और वो पालकी दिखी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे उसमें बैठने का मन किया। सो मैं उसके अंदर गई बैठी क्योंकि मुझे वो तो ये सेट तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे जो प्रेम रतन धनपायो का सेट है। सो यहाँ पे भी कोई शूट की तैयारी चालू थी जो सेटअप हो रहा था एंड आप यहाँ देख सकते हो सब बनाने में बिजी थे सेट। सो ये देख रहे हो फ्लावर्स वगैरह सब थे जो कि सेट हो रहा था एंड सेट जो था बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, जो कि एक रॉयल किंगडम होता है जो अंदर का दिखाते हैं वो वैसा ही था एकदम। एंड आप देख सकते कितना सुंदर है एंड कितना बड़ा। सो लेट्स गो टू द अनदर सेट। सो दिस सेट आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखे होंगे लाइक प्रेम रतन धनपायो एंड बाजीराव मस्तानी। सो ये सेट इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, यू कैन सी इतना ब्यूटीफुल इसका था इंटीरियर कि मतलब ये इतना रॉयल लुक दे रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि ये सेट है। जेल का सेटअप है पूरा जो कि आपने बहुत सारी मूवीज सीरियल्स में देखे होंगे एंड ये बहुत यूनिक था जो हर एक वॉल पे इनका डायलॉग लिखा हुआ था बॉलीवुड मूवीज़ का। सो बहुत अच्छे से इसका इंटीरियर किया गया था एंड इट वाज अ सो हम आ गए हैं मुंबई के खाऊ गली में एंड जो कि बहुत ब्यूटीफुल सा सेटअप बनाया है मुंबई खाऊ गली का, यहाँ देख सकते हैं आप लिखा है। एंड यहाँ पे खाऊ गली के नाम पे खाली एक छोटा सा शॉप था जहाँ पे पानी एंड बिस्किट्स मिल रहे थे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे बॉलीवुड एक्टर्स के फ़ोटोज़ लगे हैं वॉल पे। यहाँ पे ड्रैगन चाइनीज कॉर्नर है, यहाँ पे वो फेमस मूवी है ना ताबते इश्क इसका भी था एंड ये बहुत 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 बड़ा था एंड इट वॉज सो मच फन टू सी दिस सेट।